हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं भी सी हैप्पी न्यू ईयर। और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, और जैसे मैंने कल आपको बोला था कि हम लोग कहीं पे घूमने के लिए जाने वाले हैं, तो मैं बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं भावनगर, वहाँ से जाएंगे निष्कलंक महादेव। तो काफ़ी लेट हो गया है और बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब कि बीच दरिए में शिवलिंग है सारे, तो मैं वहाँ जाकर आपको ज़रूर बताऊँगी। तो चलो काफ़ी लेट हो गया है, हमें यहाँ ही मतलब कि पिछली बार हम गए थे तो 6 बजे सुबह निकल गए थे घर से, और आज हम 9:30 बजे निकले हैं। तो सब कुछ देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो अभी हम खड़े हैं CNG पंप पर, गाड़ी में CNG डलवाना है इसलिए। तो चले मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं और यहाँ पे देखिए दिव्या बैठा है, वो थोड़ा सा गुस्सा भी है और नाराज़ भी है, क्योंकि कल दिवाली की रात को मैंने उसके मोबाइल की स्क्रीन तोड़ दी थी, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा हो गई थी उससे, उसकी वजह से। तो बस उसी की वजह से वो नाराज़ है। और देखिए हम लोग निकल चुके हैं, और क्यों उसके मोबाइल की स्क्रीन तोड़ी वो भी मैं बताऊँगी। खावा से था बड़ा हाँ निकलता तो ले ले जाएंगे आपसे जाली ले जाए दे जेंस ले आए वाली एक वाडू ले आए एक। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं निष्कलंक महादेव मंदिर, और ये भावनगर के पास में ही पड़ता है ये मंदिर। और जब हम यहाँ पहुँचे ना, तब हमें पता चला कि हम लेट हो गए हैं, शायद आधा पौना घंटा पहले आ जाते तो फटाफट से जाकर दर्शन कर आते। जब हम पहुँचे तो पानी आना शुरू हो गया था, फिर हम नाश्ता करने के लिए चले गए। नाश्ता करने के बाद देखिए हम जा रहे हैं वहाँ पे दरिया किनारे, तो देखिए पानी आ रहा है, पहले बहुत दूर था पानी जब हम आए थे तब, तो धीरे धीरे किनारे की तरफ आ रहा है पानी। और समुद्र के बीच में ये शिवलिंग है, 5 शिवलिंग हैं, और वो पांडवों ने स्थापना की थी शिवलिंग की। और सामने आपको एक ध्वजा दिख रही होगी छोटी सी, वहाँ पे वो मंदिर है। तो चलकर जाना पड़ता है बीच समुद्र में, और फिर वहाँ शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तो काफ़ी टाइम तक पानी रुकता है, मतलब कि नहीं आता है, फिर पानी आना चालू हो जाता है, तो सब लोग निकल जाते हैं बाहर। तो बस हम आ रहे थे तभी सब लोग बाहर निकल रहे थे, तो देखकर ऐसे मन वो हो गया यार, उदास हो गया कि यार थोड़ी एक घंटा हम लेट नहीं होते तो दर्शन हो जाते। और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत लेट हुए थे, फिर भी चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन आएंगे दर्शन करने के लिए। फ़िलहाल तो हम यहाँ किनारे पे आ गए हैं, क्योंकि जानसी को देखना था तो यहाँ से दूर से ही हमने दर्शन कर लिए थे। और देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे हैं किनारे पे, तो हम तो यहाँ खड़े रहेंगे। और जानसी देखो जाने के लिए तो बहुत उछल रही है, वो बोल रही है कि आप बैग पकड़ो, मैं तो चली पानी में खेलने के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, दर्शन नहीं हुए तो कोई बात नहीं, बच्चों ने एंजॉय किया, उनको भी कुछ दिखने को मिला। हम ये दोबारा आए हैं, पहले भी एक बार आए थे यहाँ पे, जब कोरोना नहीं था तब हम आए थे, होली धुलेटी पर, होली पर आए थे शायद, या धुलेटी पर आए थे ऐसा कुछ था। और तब तो हमें दर्शन हो गए थे, अच्छे से दर्शन किए थे, पर ये दोबारा हम आए हैं। तो देखो जानसी ऐसे कूद कूद कर उछल रही है और खेल रही है, उसको तो बहुत मज़ा पड़ गया था। वो बोल रही थी कि अगर दूसरे कपड़े लाए होते तो मैं नहा लेती, मैंने बोला नहीं 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 नहाना है। और देखिए पानी आगे बढ़ रहा है किनारे की तरफ, तो देखो हम जहाँ खड़े थे वहाँ पे भी पानी आ गया, और जो हमने चप्पल सब कुछ निकाला था वो पानी में बहकर जा रहा था। तो जितने हम ऐसे आगे आगे चल रहे थे उतने उतने पास में ऐसे पानी आ रहा था। तो देखिए सभी तरफ पानी आ गया है, हमारी चप्पल देखो। तो हम फिर चप्पल पहनने के लिए चले गए, क्योंकि चप्पल बहुत दूर निकाले थे। तो धीरे धीरे पानी जो है ना वो बढ़ जाता है,
तो देखिए, और अब ये पानी रात को हटेगा 6:30 बजे के बाद, और राइट 9 बजे तक आप दर्शन करने के लिए जा सकते हो। तो जो भी जाए ना, तो ध्यान में ज़रूर रखना कि 12 बजे तक आप पहुंच जाओ तो दर्शन रहते हैं। और तिथि के अनुसार पानी का टाइम चेंज होता रहता है यहाँ पर। तो देखिए, पानी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और हम ऐसे आगे आगे किनारे की तरफ आते ही रहते हैं। तो कितना पानी आ गया देखिए, मैं वहीं आपको दिखा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, दर्शन नहीं हुए उस बात को लेकर मुझे बहुत तकलीफ हुई यार, कि इतने दूर हम आते हैं और फिर बाद में दर्शन नहीं होते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है सच में। और फिर दिमाग में कुछ और भी बात आ जाती है जब दर्शन नहीं होते हैं ना तब। तो देखिए, हम यहाँ पे बैठे थे तो ये जो लारी है वो बहुत नीचे थी, तो ये भी हटानी पड़ी, यहाँ पे लानी पड़ी, और वहाँ पे पानी आ गया देखिए। और वापस झांसी जा रही है खेलने के लिए, क्योंकि वो बाहर निकल ही नहीं रही थी। मैंने बोला चल बाहर निकलो, घर पे जाते हैं, क्योंकि अभी हमें जाना है भावनगर मंदिर में दर्शन करने के लिए, खुड़ियार माता के मंदिर के दर्शन के लिए। फिर वहाँ से हम निकल चुके थे। तो फ्रेंड्स, बस आज का व्लॉग मैं यहाँ तक आपको शेयर करूँगी, आगे कुछ भी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि सच में मेरा मन नहीं मान रहा है थोड़ा सा भी, क्योंकि आज दर्शन नहीं हुए यार, इतनी दूर गए थे फिर भी, मतलब इतनी दूर से जाते हैं दर्शन नहीं होते हैं तो नहीं अच्छा लगता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।